रीट एग्ज़ाम 2020-2021। रीट का एग्ज़ाम दोस्तों 25 अप्रैल को स्टार्ट होने जा रहा है। एग्ज़ाम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। बीएड वाले नहीं दे सकेंगे रीट फर्स्ट में जो है, उसमें बीएड वालों को नहीं एक्सेप्ट किया है। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन में देख सकते हैं, 11 जनवरी से 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन होगी और 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होंगे। रीट लेवल वन में बीएड वालों को योग्य नहीं, यूजी और पीजी में 50% अंक है तो भी पात्र, 50% वालों को ही इनमें जो है ये फॉर्म भर सकेंगे। करीब 11 लाख से अधिक बेरोजगारों का इंतजार ख़त्म होगा। राज्य सरकार ने शिक्षा पात्रता परीक्षा शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने सोमवार को 11 जनवरी की रीट का ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी होगी। 14 अप्रैल को अपने एडमिट कार्ड आ जाएगा प्रवेश पत्र और 20 अप्रैल को परीक्षा हो सकती, 24 अप्रैल को सॉरी। राज्य सरकार ने इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। रीट में पहले लेवल में जैसा कि मैंने बताया बीएड वालों को शामिल नहीं किया है, बीएसटीसी वाले ही शामिल होंगे। और रीट में 50% लाना अनिवार्य है, उसमें जो भी आप एग्ज़ाम दिए हैं ग्रेजुएशन और बीएड में 50% आना जरूरी है। बढ़ती लेवल रीट टू में 70% स्नातकों और 30% वेटेज होना चाहिए। रीट के राजस्थान जीके को प्राथमिकता नहीं थी। पहले जो एग्ज़ाम होता था दोस्तों उसमें राजस्थान जीके की कोई मान्यता मतलब प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जो है सिलेबस चेंज किया गया है उसमें प्रदेश की भौतिक स्थल कला स्थिति ऐसे जो कुछ है उनको ऐड किया गया है जीके के जो टॉपिक्स है राजस्थान जीके के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके लिए जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी और जानकारियाँ मिलती रहे तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ऐसी एकदम सही जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहूँ न्यूज़पेपर के ज़रिए या किसी भी